नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है चाइना रिमूव्ड पाकिस्तान मेड कुरान ऐप। क्या है कुरान मजीद ऐप? तो पाकिस्तान जो पढ़ के यही समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ने कुरान ऐप बनाई थी और वो चाइना ने रिमूव्ड कर दी, और क्यों करी, किस लिए करी, ये तो वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड अफेयर चैनल से हैं, प्रशांत धवन साहब हैं, वो इस पर काफ़ी नॉलेज भरी बातें बताते हैं, तो आप चाहो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इनकी वीडियो सुन सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना ने रिमूव करवा दिया पाकिस्तान मेड कुरान ऐप को फ्रॉम एप्पल्स ऐप स्टोर। ये इस पे आर्टिकल है, एप्पल रिमूव्स पॉपुलर कुरान ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर इन चाइना। सिर्फ चाइना में ही ये रिमूव हुई है आफ्टर गवर्नमेंट डायरेक्टिव, सरकार के डायरेक्शन के बाद ये ऐप को रिमूव कर दिया गया। अब ऑब्वियसली दुनिया भर में बहुत से मुस्लिम नेशंस हैं, वहाँ पे जो रिलीजियस मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइना के डिसीजन का। वो ये कह रहे हैं कि ये करने की आवश्यकता क्या थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग कुछ रीज़न बता नहीं रहे कि ये सब इन्होंने किया भी क्यों है। और उससे भी सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये है कि एप्पल ने भी चुपचाप बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी झिझक के, जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसको चुपचाप फॉलो किया और इस ऐप को रिमूव कर दिया अपने ऐप स्टोर से। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात आप अगर देखो तो 2017-18 के आसपास जब उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सो कॉल्ड मुस्लिम बैन लगाया था, जब इन्होंने कुछ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से जो लोगों की एंट्री है इन यूएसए को बैन कर दिया था, उस वक्त टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं ये ओपनली सामने आए थे और इन्होंने आलोचना करी थी ट्रंप की और ये कहा था कि इनकी पॉलिसी एंटी मुस्लिम है। और इवन दो एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, इनको अमेरिकन गवर्नमेंट से ही काम निकालना होता है, इन्होंने ओपनली बोल दिया था कि इस सरकारी पॉलिसी को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर इस पर्टिकुलर केस में, चाइना के केस में, एप्पल की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल आप कह सकते हैं सबमिसिव होके इन्होंने चाइना की यहाँ पर बात माननी स्टार्ट कर दी। ये बहुत ही डेंजरस है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेजर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे अमेरिकन हो, दुनिया की कोई भी हो, किस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं उसको चुपचाप फॉलो कर देती है। ये एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल सेट करता है, क्योंकि इससे ये दिखता है कि जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर फ्री मीडिया नहीं है, वहाँ पर तो आप कुछ भी कर लो, उनके लिए तो एक्सेप्शन है, वो अपने देश में चाहे तो ऑल टुगेदर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बाहर के कंट्रीज़ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी कुछ ऑर्डर देना हो। ना अब यहाँ पर आप पूछेंगे वेट, सो एप्पल का प्ले स्टोर था, वहाँ पे एक ऐप को बैन किया गया, मगर ये कौन सी ऐप थी, पाकिस्तान मेड ये कैसे है, समझाता हूँ आपको। देखो जिस तरीके से गूगल का प्ले स्टोर होता है, एप्पल का होता है ऐप स्टोर। यहाँ पे जाकर आप वेरियस जो ऐप्स होती हैं डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अन अकेडमी की ऐप जो होती है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मगर गूगल प्ले स्टोर की तरह ना एप्पल ऐप स्टोर में एंट्री कर पाना और ऐप को डिलीट कर पाने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर हर किसी ऐप को ये लोग एंट्री देते नहीं हैं अपने ऐप स्टोर में, काफ़ी हद तक सब कुछ कंट्रोल होता है। ना फिर यहाँ पे आती है एक पाकिस्तानी कंपनी जिसका नाम है PDMS। PDMS की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। नाउ PDMS को आप अगर देखो तो ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और ये कुरान से रिलेटेड बहुत सारा जो ये कंटेंट है, ऐप्स रिलेटेड, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, उर्दू कीबोर्ड बनाते हैं, उर्दू एडिटर बनाते हैं, बहुत सी ऐप्स ये लोग बनाते हैं और इनकी जो ये कुरान ऐप्स है काफ़ी फेमस है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी को भी ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ऐप में, जबकि रिलीजियस ऐप्स हैं इनके, इनके बहुत सारे जो डाउनलोड्स हैं ये इंडिया से भी होते हैं, बांग्लादेश से भी होते हैं। खैर एनीवे, जो इनके मेन फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलर ऐप्स हैं, उनमें से एक है कुरान मजीद। कुरान मजीद ऐप दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, यूएस में भी जो पाकिस्तानी रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, इंडियन मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने ये ऐप डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पर जो कुरान की वेरियस वर्सेज हैं ये ऑडियो में लोग सुन पाते हैं, उसके अलावा प्रेयर करने का टाइम क्या है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स होती हैं। और बेसिकली इन्होंने PDMS ने इस ऐप को प्रमोट किया एज एन ऐप फॉर एवरी मुस्लिम, कोई भी रिलीजियस मुस्लिम हो तो उसके पास ये ऐप होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से अपना इस्लाम फेथ फॉलो कर पाएगा इस ऐप की हेल्प से। और यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है
दिस इज़ ए मस्ट हैव ऐप फॉर एवरी मुस्लिम। नाउ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की टोटल आबादी का 1.6 से लेकर 1.8% कहा जाता है इस्लाम फेथ को फॉलो करता है। हालांकि परसेंटेज में कम लग रहा है मगर चाइना की ओवरऑल आबादी इतनी ज़्यादा है, 140 करोड़ से भी ऊपर इनकी आबादी है, तो इनका 1.68% भी आप अगर देख लो तो ये बन जाता है रफली 2,40,00,000 से लेकर 50,00,000 मुस्लिम आपको मिलेंगे इन चाइना। अब इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ज़्यादातर ऑफकोर्स जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे आपको एक और मुस्लिम्स मिलेंगे। और इस रीजन में ये ऐप काफ़ी हद तक पॉपुलर हो गई थी क्योंकि आप मान के चल लीजिए 10,00,000 लोगों ने तो इस ऐप को डाउनलोड कर ही लिया था। और इसकी पॉपुलैरिटी एक्चुअली आप अगर देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी हद तक बढ़ी है, और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी इस ऐप की उससे लग रहा था कि ये ऐप आराम से चाइना में 20-30,00,000 डाउनलोड कर ही लेगी आने वाले 1-2 सालों में। अब अचानक से क्या हुआ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एप्पल को ये कहा कि तुम्हारा जो ये यहाँ पर एप्पल स्टोर है ना, वहाँ से इस ऐप को रिमूव कर दो। अब बाकी जगह आप अगर देखो तो चाइना में ना काफ़ी जो इनके फ़ोन है वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर आपको मिलेगा ही नहीं। जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारे इनके फ़ोन्स का, चाहे बाहर की कंपनी के भी फ़ोन हो, वहाँ पे काफ़ी बार ये खुद का जो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो डलवाते हैं चाइनीज़ कंपनीज का सॉफ्टवेयर। तो हमें ये जानकारी नहीं है कि चाइना का जो लोकल ऐप स्टोर है, जो इनके देश का खुद का ऐप स्टोर है, वहाँ से भी ये ऐप हटी है या नहीं हटी, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन आई नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स बहुत सारे होते हैं और काफ़ी बार चाइना ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाहर के मीडिया तक लीक होने नहीं देता। मगर एटलीस्ट जो अमेरिकन कंपनी है यहाँ पर एप्पल, उनके थ्रू तो हमको पता लग गया है कि हाँ बिल्कुल चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको कहा कि अपने ऐप स्टोर से जो ये कुरान की ऐप है ये रिमूव कर दो, और इन्होंने बिना किसी प्रोटेस्ट के ये ऐप कर दी रिमूव। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं ठीक है चाइना का खुद का देश है, उनके जो रूल्स है अपने देश में वो चलाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये माना जा रहा है कि चाइना का जो एक लार्जर प्रोग्राम है मुस्लिम्स को सप्रेस करने का अपने देश में सिस्टमैटिकली, देखो एक होता है कि किसी देश में कुछ इंसिडेंट हो गया, वो न्यूजीलैंड में जो मॉस्क की शूटिंग थी ये कई दशकों में कई सालों में एक बार एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हो गया, मगर फिर होती है एक सरकार की पॉलिसी बनाई जाए कि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एक कम्युनिटी की आबादी ये कम करेंगे, उनको सप्रेस करेंगे, उनके लिए कैंप्स बनाएंगे, तो वो सब चाइना में ऑलरेडी हो रहा है। अब उसके बाद जब ये स्टेप चला गया ना, इसको लेकर लोग काफ़ी हद तक कंसर्न है क्योंकि चाइना ने जो गिनी चुनी स्टेटमेंट्स दी हैं इस कुरान ऐप के बैन को लेकर, उसमें से एक लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर ये यूज़ कर ली, और यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूज़ आर्टिकल है इस पर कि चाइना ऑर्डर्स एप्पल रिमूव कुरान ऐप ओवर इलीगल रिलीजियस टेक्स्ट। अब ये जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ना इलीगल रिलीजियस टेक्स्ट, ये काफ़ी हद तक चिंताजनक इसलिए है क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि अब चाइना की सरकार ने अपना खुद का वर्जन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया कुरान का, जिसमें इन्होंने खुद ही कुछ पार्ट्स ऐड कर दिए हैं कि हमेशा देश के प्रति वफादारी रखनी होगी, और बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल रिलीजियस बुक का ये काफी हद तक चेंज कर दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को खुश करने के लिए। और ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, इस पे आपको कई आर्टिकल्स मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि चाइना ने कई जो रीजन है छोटे रीजन है वहाँ पे कुरान में कुछ बदलाव इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और स्पेशली जो शिनजियांग रीजन है चाइना का वहाँ पर तो चाइना की पुलिस लगातार जो भी मुस्लिम्स हैं उनको ये कहती है ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने कि जो भी तुम्हारे पास कॉपीज हैं होली कुरान की ये हमको प्रोवाइड करो, और पुलिस और अथॉरिटीज रेगुलर बेसिस पे आवे ध्यान रखती है कि लोग बहुत ही बड़े स्केल पर कुरान को पढ़ना ना स्टार्ट कर दे और परचेज करना ना स्टार्ट कर दे। ये वेल डॉक्यूमेंटेड बात है, आपको US रिपोर्ट में ये बात मिलेगी, कई ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग की रिपोर्ट है वहाँ पर भी ये बात लिखी गई है कि चाइना की सरकार कैटेगोरिकली कोशिश करती है कि चाइना के मुस्लिम्स प्रॉपर तरीके से अपना रिलीजन फॉलो ना कर पाएं, और जो ये चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ कुरान तक सीमित नहीं है, ये बाइबल तक भी बात कर रहे हैं आज के समय। आपको ऑलरेडी पता होगा कि चाइना ने रिसेंटली ये भी कोशिश करी कि खुद का पोप लॉन्च कर दे, खुद चाइनीज गवर्नमेंट बैक एक चर्च लॉन्च कर दे, तो रिलीजन में चाहते हैं कि कंप्लीट इनका कंट्रोल हो, कभी ऐसा ना हो कि कोई बाहर की ताकत रिलीजन का इन्फ्लुएंस करके चाइना को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। और इवन तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर जो ये ऐप बैन करी है ये तो पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट नहीं करेगा? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान प्रोटेस्ट नहीं करने वाला, पाकिस्तान को आप यही मान लीजिए एक टाइप की इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुकी है चाइना की, और ये लोग एक्चुअली खुद अपने देश में काफी बार कई जो इस्लामिक ऐप्स हैं इनको बैन कर चुके हैं, स्पेशली ऐसी ऐप्स जो प्रमोट करती है अहमदिया कम्युनिटी का थॉट। फॉर एग्जांपल कुछ महीने पहले न्यूज़ ये आई थी जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं इन US इन यूरोप, उन्होंने एक ऐप बनाई अहमदिया मुस्लिम्स के लिए, उनके थॉट प्रोसेस के लिए, उनके रिलीजियस बिलीव्स के लिए। तो ये जो ऐप है ये पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली बैन करवा दी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से। तो ये एक इशू है जिस पर मेरे ख्याल से USA को और इवन यूरोपियन यूनियन को, इंडिया को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि देखो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं
हम ये मुद्दा उठाएंगे, ये लोग कहेंगे कि इंडिया में ये इंसिडेंट हो गया था। देखो, एक इंसिडेंट हो पाना अलग बात है, मगर हमारी सरकार ओवरऑल सेकुलर है, हम लोग ओवरऑल सेकुलर लोग हैं इंडिया में, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आज के समय चाइना और एप्पल को अकाउंटेबल रहना चाहिए कि आपने ये एक्शन क्यों लिया है और आप लोगों को अपना रिलीजन प्रॉपरली प्रैक्टिस करने क्यों नहीं दे रहे। और फाइनली यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप एक बार लाइफ में प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अन अकेडमी के क्वालिटी को। हाँ जी, तो जो एप्पल के सीईओ है टिम कुक, वहाँ मतलब वो डबल गेम खेल रहे एक तरह से। जब पहले ट्रम्प वाला केस हुआ तब तो उन्होंने बोल दिया है, और अब जब बोलना चाहिए था तब उन्होंने बोला जी। इतनी बड़ी बात हो गई, छोटी बात नहीं है कि कोई इतनी बड़ी कंट्री में, 1.5 अरब लोगों की कंट्री में ऐप आप बैन करवा रहे हो, और वो ऐप इतने सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें आप बैन कर रहे हो, और इवन ऐप जो कुरान में चेंज कर रहा है चाइना, मतलब अपनी तरफ से कुरान ऐप नया बना रहे हैं और उसमें भी चेंजेस लगा रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी कुरान है उसमें चेंज कर रहे हैं, उसमें वर्ड्स डाल रहे हैं कि देश प्रेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चाहिए, चीज़ें ऐड करके डाल रहे हैं, और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि जो कुरान कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट से कितनी परचेज कुरान हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं। तो दो से ढाई महीने के बाद वो चेकिंग करते हैं या देखते हैं चीज़ें क्या हो रही क्या नहीं हो रही, तो ये तो बहुत गलत बात है। कभी इन्होंने बिल्कुल सही कहा प्रशांत धवन ने कि कहीं बाई चांस कहीं कुछ हो जाए तो बात अलग है, कहीं कुछ इंसिडेंट हो जाए कुछ हो जाए, बट यहाँ तो गवर्नमेंट ओपनली उतर आई मैदान में कि भाई हमें ये कुरान ऐप को बैन का करवाना है, हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के कुरान को पेश नया करेंगे। ऐप डालेंगे। हाँ, तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए हम सब लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और गलत है, वाकई में ही गलत है। इवन ये ऐप भी पाकिस्तान ने बनाया था, है ना, पाकिस्तान की ऐप है, और इवन कहा जाता है कि पाकिस्तान चाइना तो काफ़ी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसके बाद भी कि अपने बट जहाँ अपने इंटरेस्ट आते हैं ना चाइना के, तो वो किसी को की नहीं सुनता, जहाँ उसे लगता है कि मेरे इंटरेस्ट थोड़े ख़राब हो रहे हैं तो वहाँ वो फिर नहीं परवाह करता कोई कोई भी हो, वहाँ फिर वो एक तरफा हो जाता है, मतलब ही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मतलब ही है, जब उसे अपना काम दिखेगा तो फिर वो हर किसी को दोस्त बनाएगा, जब काम निकल जाएगा तो एक तरफा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। हाँ लोगों से मतलब। हाँ बाकी आप लोग भी अपनी राय देना कि ये जो काम चाइना कर रहा है, कुरान ऐप बैन करवा दी और कुरान में चेंज करने का वो सोच रहा है, आपकी नज़र में ये कैसा है? हमारी हमें पता है आपकी नज़र में ये गलती होगा और हमारी नज़र में भी गलत नहीं होगा। एक और इंसिडेंट सुना था हम इंडिया में, कोई एक इंसान था जो कुरान चेंज करने के बारे में बहुत बोल रहा था, तो चलो मजाक में उसके लिए तो हमने वीडियो करी थी, वो तो चलो मजाक में ले लिया, वो तो मजाक ही था एक तरह से, ही बताऊँ तो मजाक ही था, ये एक तरह भी से मजाक ही लग रहा है, बट इतना बड़ा स्टेप ये गवर्नमेंट कर रही है, कोई एक इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल इतनी रीच नहीं होती, एक इंडिविजुअल ऐसे कोई बोले तो कोई तो बंदा मजाक में ले लेता है, चल पागल है यार, इसकी बुद्धि थोड़ी सही नहीं है, बट एक पूरी इतनी 1.5 अरब लोगों की कंट्री, वर्ल्ड का एक चौथाई हिस्सा वहाँ रहता है, 1.5 अरब लोगों की कंट्री ऐसा स्टेप कर रही है, तो फिर क्या ही होगा। ये तो अब ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उनको मीटिंग रखनी चाहिए और बोलना चाहिए कि कुरान में चेंजेस नहीं हो सकते कभी भी, ये तो सबको ही बोलना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना, बाकी सबके लिए। शुरुआत तो इमरान खान को ही करनी है। हाँ, क्योंकि ऐप पाकिस्तान की थी तो बोलना वहाँ चाहिए, वैसे तो इस चीज़ के लिए हर किसी को बोलना चाहिए। बिल्कुल, ये इस चीज़ की उन्हें समझ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट होके इन चीज़ों की समझ नहीं है तो क्या पता आवाज़ उठा दे, अभी नहीं पता ना, अभी हाल फिलहाल का ही मुद्दा ये, क्या पता आवाज उठा दे, कुछ दिनों बाद ही पता लगेगा। तो चलते हैं गाइस, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।